नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी हम लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और आज हम लोग बात करेंगे सार्कोमा के बारे में। तो सार्कोमा क्या होता है? सार्कोमा एक प्रकार का मेलिग्नेंट ट्यूमर है, और ये जो सार्कोमा है ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में ग्रो हो सकता है। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो इस कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन होम्योपैथी के बारे में मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सार्कोमा एंड द रोल एंड स्कोप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो दोस्तों, ये जो सार्कोमा है, सार्कोमा का क्या मतलब है? तो सार्कोमा हम किसी प्रकार के भी मेलिग्नेंट ट्यूमर को कहते हैं जो ग्रो होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू से ग्रो हो रहा हो, मसल से ग्रो हो रहा हो, बोन्स में से ग्रो हो रहा हो, हमारा जो हीमोपोएटिक सिस्टम है ब्लड वेसल से ग्रो हो रहा हो, नर्व्स में से ग्रो हो रहा हो, तो इन्हीं को हम कहते हैं सार्कोमा। तो दोस्तों, बहुत सारे प्रकार के सार्कोमा हो सकते हैं, कम से कम 50 टाइप्स ऑफ सार्कोमा होते हैं। और ये जो सार्कोमा होते हैं, ये क्या होता है, ये जितनी जल्दी या जितना पहले इसके बारे में हमें पता चले और उतना ही बेहतर इसका जो आउटकम होता है, ट्रीटमेंट का जो रिज़ल्ट है या प्रोग्नोसिस है, वो उतना ही बेहतर होगा जितना अर्ली हम इसको ट्रीट कर सकें। तो दोस्तों, ये जो सार्कोमा है इसके क्या लक्षण होंगे? तो सार्कोमा एक गांठ है, एक ट्यूमर है जो आपको कहीं पे फील हो सकता है। और ये जो सार्कोमा है इसमें दर्द हो सकता है, दर्द नहीं भी हो सकता, तो पेनफुल भी हो सकता है या पेनलेस भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो हम मेलिग्नेंसी के सिम्टम्स देखते हैं, जैसे वजन का घटना, वेट लॉस, इस प्रकार के सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सार्कोमा आपको कैसे पता चल सकता है? तो सार्कोमा अगर आपको बॉडी में कहीं पे कोई ग्रोथ है, कहीं कोई गांठ है, तो आपको ज़रूर उसके बारे में ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे एक्सरे है, MRI है, CT है, हम बायोप्सी भी करवा सकते हैं। अगर हमें लगे कहीं पर कुछ ग्रोथ है तो हम इसमें इमेज गाइडेड बायोप्सी भी करवा सकते हैं, होल बॉडी पेट CT स्कैन भी कराया जा सकता है। तो ये हमारे कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो गए। तो दोस्तों, ये जो सार्कोमा है इसके कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो वो क्या है? तो अगर आपकी कुछ फेमिलियल टेंडेंसी है, जैसे रेटिनोब्लास्टोमा है या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हो जाते हैं। जेनेटिकली यू आर मोर प्रीडिस्पोज्ड टू सार्कोमा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई केमिकल का एक्सपोजर हो रहा है तो हो सकता है। अगर आपको लिम्फेडिमा हो रहा है, यानी आपका जो लिम्फ फ्लूड है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा, तो उसके वजह से लिम्फेडिमा या लिम्फ का कलेक्शन हो रहा है, जिसके वजह से एंजियोसार्कोमा, ऐसा हो सकता है। वायरस के एक्सपोजर से कापोसी सार्कोमा, ऐसा हो सकता है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे हमारे अलग अलग प्रकार के सार्कोमास होते हैं। जैसा मैंने बताया कि कम से कम 50 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सार्कोमा हो सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में अगर कोई ट्यूमर का ग्रोथ है, मेलिग्नेंट ट्यूमर का ग्रोथ हो रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज सार्कोमा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर सार्कोमा जैसी शिकायत कुछ हो रही है, तो होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन होगी बेराइटाकार्ब। अब बेराइटाकार्ब में हम देखते हैं कि अगर आपको ग्रोथ हो रही है बॉडी में, अगर आपका जो ग्रोथ है वो हीमोपोएटिक सिस्टम में, ब्लड वेसल्स में हो रहा है, एथेरोमेटस ग्रोथ आपको हो रहा है, ओल्ड एज के साथ साथ प्रॉब्लम हो रही है, आपको जलन का महसूस होता है, जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे आपको बर्निंग का फीलिंग होती है, जलन की फीलिंग होती है, तो ऐसे में जो हमारी मेडिसिन बेराइटाकार्ब है, ये आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लेपिस एल्बा। तो जो लेपिस एल्बा मेडिसिन है, ये फैटी टिश्यू ग्रोथ में या फैटी ट्यूमर में भी बहुत अच्छा काम करती है, लाइपोमा में भी बहुत अच्छा काम करती है। और लेपिस में हम देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई अल्सरेशन नहीं हुआ है, ग्रोथ है पर कोई फर्दर उसमें अल्सरेशन वगैरह नहीं हो रही है, तो ऐसे में लेपिस हमें मदद कर सकती है।
दोस्तों जो हमारी अगली मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड में हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है या जो सार्कोमा है उसमें अल्सरेशन वगैरह हो गई है, हो सकता है ब्लड डिस्चार्ज हो रहा हो, और जो दर्द होती है बहुत ही शार्प पेन होता है, ऐसा लगता है नीडल चुभ रहे हो, इस प्रकार की फीलिंग होती है, सेंसेशन होती है, चुभन वाली पेन होती है, जो एरिया है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू टच, और पिन पियर्सिंग फीलिंग होना या नीडल चुभन वाली फीलिंग होना, जलन होना या पस वगैरह निकलना या ब्लड डिस्चार्ज होना, तो यानी अल्सरेशन वाला स्टेज जब आ गया तो इसमें नाइट्रिक एसिड मेडिसिन आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है साइलीशिया। अब साइलीशिया भी हमारे बॉडी में जब ग्रोथ्स होते हैं उसमें अच्छा काम करती है। साइलीशिया की जो पिकुलियरिटीज़ होती हैं, पेशेंट को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, एक एसिमिलेशन प्रॉब्लम है, मैल एब्जॉर्प्शन की समस्या है, तो ऐसी जब पिक्चर हो और साथ में सार्कोमा है, एंड सार्कोमा जो है वो सिरस है, सिरस का मतलब है बहुत ज़्यादा डेंस है, जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड डेंस है, तो हो सकता है बोन में से ग्रोथ हो रहा हो, फाइब्रस डिस्प्लेजिया हो रहा हो, तो ऐसे में साइलीशिया मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है थूजा। अब थूजा जैसे हमें मालूम है कि हमारे बॉडी में ओवर ग्रोथ्स के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है, वो वॉर्ट्स हो सकते हैं, किसी प्रकार का कंडाइलोमेटा हो सकता है, कोई भी आपको अगर ग्रोथ हो रहा है जो कि कॉलीफ्लावर जैसा है, जिसका एक स्टॉक है, यानी एक लटकन वाला अगर ग्रोथ है, कुछ आपको ट्यूमर बना है जो एक स्टॉक से अटैच्ड है, तो जब ऐसा कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस होता है तो इसमें थूजा मेडिसिन हमें मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ जो कि सार्कोमा या कनेक्टिव टिश्यू में अगर ट्यूमर हो रहा है तो ऐसे में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया सार्कोमा के बारे में और होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से सलाह लेना चाहते हैं अपने मेडिकल कंडीशंस के लिए, अपनी तकलीफ़ के लिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोगों को केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजना है, मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप मेरे वेबसाइट drarpana.com को भी विजिट कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट वहाँ बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरे से डायरेक्टली फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फ़ोन पर भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।